शेयर स्क्रीन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इजी चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अभी एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ है। नाउ ये चैप्टर में, ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं, बेसिकली ये चैप्टर कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कोई तुम्हारे दुकान में कोई कपड़ा किसने लिया, बाद में किसी को चेंज करवाना हो तो तुम बोलते ठीक है चेंज करवा लो, लेकिन यदि किसी दुकानदार ने मना कर दिया तो कंज्यूमर के पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? या प्रोडक्ट का जो क्वालिटी प्रॉमिस किया था वो क्वालिटी दिया नहीं, या सपोजिटली अमेज़न से तुमने सोनी का एक प्रोडक्ट मंगाया था, एक मॉडल, उन्होंने दूसरा सस्ता मॉडल बेच दिया और तुमने अमेज़न को बोला कि भाई बदल दो, उन्होंने बदला नहीं, तो तुम्हारे पास चेंज नहीं किया उन्होंने, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? सो ये सिर्फ कंज्यूमर, एज कंज्यूमर हम दुकान से टीवी फ्रिज खरीदते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है और वारंटी पीरियड के अंदर है और दुकानदार वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है या एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, तो एज अ कंज्यूमर तुम्हारे पास क्या-क्या राइट्स है, कहाँ केस हो सकता है, कौन-कौन पार्टिसिपेंट है, उस पर से ये चैप्टर आधारित है। समझ में आया बेसिक लेवल पे? सो वी विल स्टार्ट विद कंज्यूमर। नाउ तुम्हारा ये जो इंट्रोडक्शन होगा वो यहाँ से होगा, तुम्हारा आंसर एबीसी फॉर्म में होगा। सो क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड, ये तुम लाइन यूज कर सकते हो, और ऐसा बोल सकते हो कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे इन टूडेज वर्ल्ड कंज्यूमर हैज बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड थ्रू प्राइस राइज, स्कैर्सिटी, एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है? सो देखा जाए तो कंज्यूमर को किंग बोला जाता है, लेकिन कंज्यूमर आज के तारीख में एक्सप्लॉइट करते हैं, चीट करते हैं। अंडे भी नकली आ गए हैं आजकल, दूध में वो लोग पानी में डिटर्जेंट डाल के, फेविक्रिल डाल के कुछ जगह बेचते हैं, मैदा कई बार नकली रहता है दिवाली के टाइम में, और कई बार कंज्यूमर को क्वालिटी क्वांटिटी ये सब नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कठिनाई होता है कंज्यूमर को। सो फर्स्ट लेवल समझ में आया इंट्रोडक्शन कि कंज्यूमर देखा जाए तो ऑन पेपर राजा है, मॉडर्न मार्केटिंग की शुरुआत कंज्यूमर से होती है, लेकिन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट और चीट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नकली स्कैर्सिटी। प्याज का एग्जांपल ले लो, जानबूझकर प्राइस बढ़ा दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सिंग, गलत एडवर्टाइजिंग, बाय वन गेट वन फ्री जबकि कीमत बढ़ाया हुआ रहता है, तो ऐसा काफी होता है। फिर उसको क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस ये ले लो, ये तुम्हारा कुछ लोग एडवर्टाइज करते हैं 50% ऑफ, लेकिन 50% कीमत बढ़ाया हुआ रहता है, तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में तुम लिख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किया था। नाउ ये जो मीनिंग है, तुम क्या कर सकते हो, ये जो वर्ड है इसको डिराइवेशन में डाल सकते हो, ठीक है ना? इसको ए पॉइंट रख सकते हो, ए पॉइंट में माउस से यूज करो, इससे हैंडराइटिंग थोड़ा अलग आएगा, डिराइवेशन। सो तुम्हारा ए डिराइवेशन होगा ये कि कंज्यूमर वर्ड आया कहाँ से। सो तुम बोलोगे कंज्यूमर वर्ड एक लैटिन वर्ड कंज्यूमर से आया, कंज्यूमरे बोल सकते हैं, इससे आया, विच मीन्स टू ईट खाना खाना, या ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ठीक है? So, ये तुम्हारा डेरिवेशन होगा। बी तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा जो अभी लिया हमने, ठीक
ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन किया हुआ था, और सीन मीनिंग। अब याद रखना, मैं जैसे तुमको बोल रहा हूं, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो इंसान है जो गुड्स खरीदता है या रेंट से लेता है, गुड्स या सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, पार्टली पेड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तुमने दुकान से गुड्स खरीदा, या तुम ब्यूटी पार्लर में गए सर्विस लिया, या तुम एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हो सर्विस लिया, या मोबाइल का सर्विसेज ले लो, फॉर अ कंसिडरेशन मतलब तुमने कीमत या तो पे किया है या प्रॉमिस पे की, प्रॉमिस किया है पे करोगे, या आधा पे किया है आधा उधारी में, डेफर्ड मतलब भविष्य में पे करोगे। लेकिन इसमें एक चीज ख्याल रखना है, एक होता है होलसेलर, बराबर है, होलसेलर बेचता है, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, ठीक है, और रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। होलसेलर से पहले कंपनी भी आएगा, सो ये रिटेलर हुआ, ये हो गया कंज्यूमर या कस्टमर ले लो। याद रखो, जो रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा है, ठीक है ना, या होलसेलर ने बेचा है, सो रिटेलर कैन नॉट बी अ कंज्यूमर, ओनली द एंड यूजर कैन बी द कंज्यूमर। अच्छा, इसमें भी तुमने अपने एक फ्रेंड को यूज करने दिया, तो वो भी कंज्यूमर के डेफिनेशन के दायरे में आता है, लेकिन कब नहीं आएगा? यदि तुमको यहाँ पे कंसिडरेशन बोला है, फॉर अ कंसिडरेशन, इसका मतलब तुमने पे किया है, गिफ्ट में मिले हुए वस्तु इसमें नहीं आ सकता है। और हम लोग कंज्यूमर्स हैं, फूड ग्रेन दूध या सर्विसेज, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब के हम सर्विसेज लेते हैं। आया समझ में? सो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर बेसिकली इज द एंड यूजर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। आया समझ में? कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करेंगे? तुम ए बोलोगे, कंज्यूमर से शब्द आया डिराइवेशन, विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक, और कंज्यूमर इज ट्रीटेड एज अ किंग, इज लाइक अ किंग बट इज नॉट ट्रीटेड एज अ किंग। क्यों? क्योंकि उसको धोखा किया जाता है, नकली कांदे का दाम बढ़ा के, नकली स्कैर्सिटी मतलब कमी करके ब्लैक में बेचते हैं। एक समय आईफोन ब्लैक में बिकता था, एडल्ट्रेशन मिक्स करना, नकली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना, और कई बार हमको क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस या स्टैंडर्ड में मैच नहीं होता है, और अल्टीमेटली गुड्स और सर्विस दोनों आएगा, मतलब तुम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन में जा रहे हो तो सर्विस मिल रहा है तुमको, उधर कुछ प्रॉब्लम आया तो भी तुम कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, सब ढांचा अपन देखेंगे। फिर गुड्स में तुमने टीवी खरीदा, टीवी ठीक से चल नहीं रहा है या प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे पास क्या राइट्स एज अ कंज्यूमर है, उस पे से चैप्टर आधारित है। क्या ये पार्ट समझ में आया? सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था।